हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस जो है छोटे से YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेद क्या होता है, वेद का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम जो है लूसेंट की महामैराथन सीरीज लेके चल रहे हैं और लूसेंट के एक एक फैक्ट को समझाते हुए, वो भी फ्लो चार्ट से एकदम डायग्राम बना के, जैसे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से मैं लूसेंट के एक एक फैक्ट को आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। तो जो है आज के भी वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अंत में आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो जितने भी नोट्स आएंगे दोस्तों, वो वीडियो के अंत में 10 सेकंड में आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो अंत में वीडियो तक जरूर बने रहिए, ठीक है। कल की चीजों को मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात किया था कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था कि इतिहास को अगर हमें जानना है, हमें फील करना है कि इतिहास में कोई चीज सही है कि नहीं है, तो उसके स्रोत हमें देखने पड़ेंगे, उसके एविडेंस देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला हमने देखा था कि धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म के ग्रंथ से, धर्म की किताब से हमको पता चलता है कि इतिहास में जो भी चीज़ हुआ है वो सत्य है कि गलत है कि क्या है, सारी चीज़ें पता चलती हैं हमको। उसके बाद दोस्तों, हमने देखा था ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि कुछ इतिहास की किताबें आएंगी, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी हो गया और महाभाष्य हो गया। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इतिहास वाकई में सच है कि ये जो है एकदम कल्पना है। तो कल्पना को सच बनाने के लिए हमने कुछ इतिहास के स्रोत पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था कि विदेशी यात्रियों के विवरण की, कुछ जो है विदेशी यात्री आएंगे हमारे देश में और यहाँ पे वो स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए आते हैं और हमारे भारत के बारे में कुछ लिख के चले जाएंगे, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और जो लास्ट हमने देखा था, उसमें देखा था कि एविडेंस होते हैं कुछ, जैसे कहीं खोदा जा रहा है तो हमें सिक्का मिल गया, हमें ईंट मिल गई, हमें कुछ बर्तन मिल गए, तो जो पुरातत्वी संबंधी साक्ष्य होते हैं वो भी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि दोस्तों, धर्म ग्रंथ में जो है सबसे पहला जो आपको पढ़ना है उसमें वेद पढ़ना है। हमने एक फ्लो चार्ट भी कल बनाया था, उस फ्लो चार्ट को जाके आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को देखना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने देखा था कल की वीडियो में कि वेद जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। आप सबको पता होगा कि वेद जो है चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद जो है, ये सारे बच्चों को पता होता है। आज हम वेद को पूरा अच्छे तरह से खत्म करेंगे। वेद में आपको लिसेंट में जितने भी चीजें दी गई हैं वेद से रिलेटेड, जितने भी फैक्ट हैं, सारे फैक्ट को हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो वेद का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, पहले इसको समझेंगे कि ऋग्वेद होता क्या है। तो वहां अर्थ देखिए लिखा गया है दोस्तों कि इसका मीनिंग क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ हिम्स। दोस्तों, यहाँ एक वर्ड आ रहा है ऋचाएं। तो ऋचाएं क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। ऋचाएं आप एक श्लोक समझ सकते हैं, आप जो है एक तरह से दोहा समझ सकते हैं, आप चौपाई समझ सकते हैं। तो उस समय जो है क्या बोला जाता था, ऋचाएं बोली जाती थी। तो जो हमारा ऋग्वेद बना है दोस्तों, वो ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह का जो है क्या है, ज्ञान है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऋग्वेद बोलेंगे। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं, बहुत सारे जो है चौपाइयां लिखी गई हैं, उसका नाम हमने क्या दे दिया, ऋचा दे दिया। तो उसका जो भी कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका विभाजन है, यानी कि इसमें कितने चैप्टर हैं, कितनी ऋचाएं हैं, कितने जो है टोटल भाग हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं इसमें। तो इसका जो विभाजन किया गया है दोस्तों, वो 10 मंडल में किया गया। मंडल को आप क्या बोलेंगे, मंडल आप बोल सकते हैं चैप्टर, यानी कि जो ऋग्वेद है उसके 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय बोल सकते हैं आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, चैप्टर बोल सकते हैं। तो 10 मंडल हैं, हम ये भी देखेंगे कि किस मंडल में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ऋग्वेद का, ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाए कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10462 ऋचाएँ होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है और एकदम बिल्कुल ग्राफ से जो है स्ट्रक्चर क्या है आपका, 10 मंडल होगा, 1028 सूक्त होंगे और 10462 क्या होती हैं, ऋचाएँ होती हैं। अब इसमें आपको
ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो ऋचाएं हैं, जो श्लोक हैं, जो भी आपके दोहे चौपाई हैं ऋग्वेद में, उससे ये हमें पता चलता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है कि लोग किसे ज़्यादा पूजते थे, किसको भगवान मानते थे, किसको नहीं मानते थे। तो ऋचाओं में देखा गया दोस्तों कि 250 ऋचाएं, 250 हाइम्स जो है वो किसको समर्पित हैं, वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती थी, इंद्र की होती थी। इस वेद से देखिए, हमने देखा तो नहीं था जा करके कि जो है ऋग्वेद में किसकी पूजा हो रही थी, लेकिन हमने जो है धर्म ग्रंथ में, वेद में जो है देखा कि 250 ऋचाएं जो हैं वो इंद्रदेव को समर्पित हैं। तो वहां से हमने एक अनुमान लगाया, हमने इमेजिन किया कि जो है सबसे ज़्यादा अगर पूजा होती होगी तो किसकी होती होगी, इंद्र देवता की होगी। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों अग्नि देवता को जो है 200 हाइम्स जो है क्या हैं, समर्पित हैं, यानी कि अग्नि देवता के बाद जो है किसका, इंद्र देवता के बाद जो है अग्नि देवता का नंबर आता है, इनकी जो है पूजा होती थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं होती हैं उसको जो लोग पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? होत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होत्र बोलते हैं। तो यहां से आपको दोस्तों 3-4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद होता क्या है, तो ऋग्वेद क्या है दोस्तों? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि इसमें जो है कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं। और कितनी ऋचाएं होती हैं? 10462 ऋचाएं होती हैं, जिसमें से 250 ऋचाएं इंद्र भगवान को समर्पित हैं और 200 ऋचाएं जो है आपका अग्नि देवता को समर्पित हैं। और जो लोग ऋचाओं को पढ़ते हैं दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो आई होप जो है ये आपको समझ में आया होगा कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद में को पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब मैं बताता हूं आपको कि ऋग्वेद को पढ़ने से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं हमको, जानकारी कौन कौन सी मिलती है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहली जानकारी दोस्तों है वो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यन की जानकारी मिलती है। दोस्तों कहा जाता है कि जो हमारा एशिया वाला मध्य भाग है वहाँ से आर्य लोग सबसे पहले आए थे, और आर्य लोग आए थे तो उन्होंने ही जो है वैदिक साहित्य का जो है स्थापना किया था, इस्टेब्लिश किया था। और इसी वजह से, क्योंकि आर्यों ने जो है वैदिक साहित्य का स्थापना किया था, इसी वजह से जब हम वेद को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद सबसे पहले आता है, ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्यों के बारे में जानकारी हमको ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे पहले कौन सी जानकारी मिलती है? आर्यों के राजनैतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों किस मंडल में, जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल में किस मंडल में किस क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या लूसेंट में दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो जो तीसरा मंडल है वो जो है विश्वामित्र द्वारा रचित है, तो विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? गायत्री मंत्र जो होता है, ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है दोस्तों ये कहाँ से आया है? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आया है। और किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और ये किस लिए है दोस्तों? तो जो हमारा गायत्री मंत्र है दोस्तों वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, गायत्री मंत्र। यानी कि जब हम सूर्य देव की उपासना करते हैं तब जो है हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, पहला आपको देखना है कि यहाँ पे आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरा देखना है दोस्तों कि जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और ये सूर्य देवता सावित्री के ऊपर समर्पित है, सूर्य देवता की उपासना के लिए हम गायत्री मंत्र को गाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आठवां मंडल
जो है 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हेम्स, यानी कि हस्तलिखित कुछ ऋचाएं लिखी गई हैं किस मंडल में, 8वें मंडल में, और इस ऋचाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन हस्तलिखित ऋचाओं का एक अलग नाम है जिसे हम क्या जानते हैं, खिल जानते हैं। तो दोस्तों तीन जानकारियां यहां स्पष्ट हैं, और भी कुछ जानकारियां मिली थी कि 9वें मंडल से क्या जानकारी मिली, 10वें मंडल से क्या जानकारी मिली, सारी जानकारियां मैं लिखता हूं। आपको यहां तीन चीजें याद रखनी है दोस्तों कि आर्यों के बारे में पता चलता है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा हुआ तीसरा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ये सूर्य देवता जो है सावित्री को समर्पित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जो है 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है जिसे क्या कहा जाता है, खिल भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि 9वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में क्या है, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो है चौथी जानकारी जो मिलती है ऋग्वेद से वो क्या मिलती है। तो दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का जो है उल्लेख मिलता है। तो 9वें मंडल में आपको याद रखना है दोस्तों कि सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता कौन थे? सोम पहले एक सोम रस हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? सोम रस हुआ करता था, सोम रस, जिसका यूज हम, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सोम रस ऐसा था जिसका यूज हम नशा करने के लिए करते थे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उस समय ऋग्वेद के टाइम में एक सोम रस हुआ करता था दोस्तों, जिसका यूज हम एनर्जी ड्रिंक के रूप में किया करते थे। जब हम युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो हम सोम रस का ग्रहण करके जाते थे, उससे हमें एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती थी। और ये बनता कैसे था दोस्तों? ये कई प्रकार की वनस्पतियों से बनता था, कई प्रकार के वनस्पति मिल करके सोम रस का निर्माण करते थे और सोम रस को पी करके हम क्या करते थे दोस्तों, युद्ध को लड़ते थे, ऐसा जो है उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। उसके बाद दोस्तों 10वां मंडल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है 10वें मंडल से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों। पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या हुआ था, तो दोस्तों 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की स्थापना हुई थी। चतुष्वर्णीय समाज के बारे में जो है डिवाइड किया गया था, चार समाज के बारे में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में डिवाइड किया गया था। समझते हैं दोस्तों, 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज यानी कि फोर वर्ण सोसाइटी के बारे में जो है डिवाइड किया गया है, और ये जो डिवीजन हुआ है दोस्तों वो कर्तव्य के आधार पे हुआ है। अभी दोस्तों मेजर जो है रीजन है हमारे यहाँ जो है, बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती हैं धर्म को लेकर के, लेकिन धर्म जो बना था दोस्तों वो कर्तव्य के हिसाब से बना था, लेकिन अभी जो धर्म माना जाता है वो जन्म के हिसाब से माना जाता है कि जो पंडित का बेटा होगा वो पंडित कहलाएगा, जो हरजन का बेटा होगा वो हरजन कहलाएगा, और जो मुस्लिम का बेटा होगा वो मुस्लिम कहलाएगा। तो ये जो धर्म बने हैं दोस्तों ये जन्म के आधार पर नहीं बने थे। पहले जो ऋग्वेद था हमारा, वहाँ धर्म सूत्र में, धर्म सूत्र एक किताब बनी इस जो है हमारे जो भी वर्ण सोसाइटी बनी थी चार, उसको बताने के लिए धर्मसूत्र किताब बनी, और धर्मसूत्र में लिखा गया है कि कर्तव्य के अकॉर्डिंग जो है हम क्या किए थे, वर्ण को बांटे थे। तो बताया गया दोस्तों कि जो एजुकेशन देगा, जो शिक्षा देगा उसे हम बोलेंगे ब्राह्मण। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्राह्मण बोलेंगे। जो हमें एजुकेशन देगा उसे हम ब्राह्मण बोलेंगे। क्षत्रिय किसे बोलेंगे दोस्तों? जो हमें रक्षा करेगा, जो हमारी रक्षा करेगा, सेफ्टी करेगा, डिफेंस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्षत्रिय बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों आया वैश्य, तो वैश्य उसे बोलते हैं दोस्तों जो व्यापार करता था उस समय, उसे क्या बोलते थे? वैश्य बोलते थे। और जो शूद्र होता था दोस्तों वो क्या करता था? सेवा करता था, राजा महाराजाओं की सेवा करता था, उसे हम क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। जो मजदूरी करता था उसे हम क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। दोस्तों पहले ऐसा था ना कि जैसे मान लीजिए मैं पंडित हूँ या फिर मैं जो है अगर शूद्र हूँ, तो अगर मेरा बेटा हुआ और वो जाके व्यापार करने लगा, मैं भले ही पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मेरा बेटा जो है पैदा हुआ वो जा करके व्यापार कर रहा है, तो पहले के समय में उसको हम ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी वैश्य बोलेंगे। यानी कि जो जैसा काम करता था उसको उसी वर्ण में डिवाइड किया गया था। लेकिन दोस्तों इस समय क्या हुआ है? इस समय सब कुछ क्या है? जन्म के बेस पर है, और जन्म के बेस
के ऊपर होने के कारण जो है बहुत सारे क्राइसिस जो है चलते रहते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको जानकारी रखनी है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और है जो कि लूसेंट में लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या आया आपका, पहले आया ऋग्वेद, पहले क्या आया ऋग्वेद, उसके बाद क्या आया सामवेद आया, उसके बाद आया यजुर्वेद, उसके बाद दोस्तों क्या आया अथर्ववेद आया। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद जो है कुछ समय बाद यहाँ बीच में एक ग्रंथ लिखा गया था, बीच में एक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, जिसका नाम था सतपथ ब्राह्मण। तो लूसेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि वैदिक साहित्य को साधन के रूप में अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऋग्वेद के बाद जो है एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था सतपथ ब्राह्मण। तो वही लिखा गया है दोस्तों, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नवे मंडल में किसका उल्लेख है, तो आप बोलोगे सोम देवता का, और सोम क्या होता था, एक एनर्जी ड्रिंक हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, दसवें मंडल में क्या हुआ है दोस्तों, दसवें मंडल में चतुर्वर्णीय समाज के बारे में जो है डिवाइड किया गया है, और किसके आधार पे किया गया है दोस्तों, धर्म सूत्र ग्रंथ के हिसाब से जो है बांटा गया, उनके कर्तव्य के हिसाब से बांटा गया है। तो जो जैसा कर्तव्य रहेगा जिसका, उसे हम क्या बोलेंगे, उसी तरह का जो है वर्ण बोलेंगे। तो ब्राह्मण के लिए शिक्षा जरूरी है, क्षत्रिय के लिए रक्षा जरूरी है, वैश्य के लिए व्यापार जरूरी है, और शूद्र के लिए सेवा जरूरी है। और यह नोट आप याद रखिएगा कि प्राचीन इतिहास को साधन के रूप में पढ़ने के लिए ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो दोस्तों वेद में ऋग्वेद जो है हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, लूसेंट में इससे बाहर जो है ऋग्वेद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों लूसेंट में चीज़ें इस तरह से नहीं लिखी गई हैं, हमने क्या किया है दोस्तों, इसको डी कोड करके अपनी भाषा में इसको सिस्टमैटिक तरीके से कोशिश किया है कि आपको आसान हो जाए, और इस तरह से जब आप नोट्स को बनाएंगे दोस्तों तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा आपसे दोस्तों कि नोट्स जो है आप स्क्रीनशॉट लेके बनाते रहिए, बाकी जो है नोट्स में वीडियो के लास्ट 10 सेकंड में जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी देख लेते हैं क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप सभी लोग। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। हमने ऋग्वेद को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, अब लूसेंट में जो सामवेद के बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, यजुर्वेद के बारे में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों सामवेद होता क्या है, सामवेद कहते किसे हैं, तो दोस्तों हमने ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ पढ़े, 10,462 ऋचाएँ पढ़ें। अब दोस्तों इतनी सारी ऋचाओं को याद करना बहुत मुश्किल है, दोस्तों इतनी सारी ऋचाओं को याद कैसे किया जाए, उसके लिए हमें क्या किया गया, हमें उसको म्यूजिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ा, यानी कि ऋचाओं को हम अब गा करके याद करेंगे। तो जिस वेद में हम ऋचाओं को गाते हैं या फिर गा के याद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं सामवेद। तो सामवेद क्यों बना दोस्तों, सामवेद जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी उन सभी ऋचाओं को इसमें गाया जाता था, तो जो जो ऋचाएं गाई जाती थी उसे हम क्या बोलते थे, सामवेद बोलते थे। तो पढ़िएगा दोस्तों कि गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संग्रह वेद ऑफ मिलोडीज ऑफ चैंट क्या कहलाती है दोस्तों, सामवेद कहलाती है। तो आई होप दोस्तों सामवेद आप समझ गए होंगे सामवेद क्या होता है। अब सामवेद को ही दोस्तों भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को, कैसे दोस्तों, क्योंकि भारत में सबसे पहले वेदों को गाया गया किसमें, सामवेद में, सबसे पहले गाने की शुरुआत हुई, म्यूजिक की शुरुआत हुई, इसीलिए दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम सामवेद को क्या बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों। तीसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि लूसेंट में दी गई है कि जो सामवेद को पढ़ते हैं उन ऋषि को क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम उद्दार्त बोलते हैं, यानी कि उद्गात्र बोलते हैं। तो ध्यान देना है तीन पॉइंट हमको सामवेद में, सामवेद में जो पहला पॉइंट होगा दोस्तों कि गाए जा सकने वाली ऋचाओं का जो संग्रह होगा उसे सामवेद कहेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसे हम फादर ऑफ क्या कहते हैं, इंडियन म्यूजिक कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसको
जो लोग पढ़ते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे उद्गात्र बोला जाता है, उद्गात्र पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है जानकारी आपको लूसेंट में दी गई है, सामवेद के बारे में इतना ही। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के बारे में भी आपको तीन चीज़ें ध्यान देनी है कि इसमें पहले समझिए यजुर्वेद का मतलब क्या होता है। यजुर्वेद जो है यज्ञ से मिलकर के बना हुआ है। कैसे बना है दोस्तों, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ इसमें जो है आता है, यजुर्वेद यानी कि यज्ञ से मिलकर के बना है। तो इसमें यज्ञ का काम होगा, कर्म कांड का काम होगा, शादी विवाह में जितने तंत्र मंत्र होते हैं, जितना कर्म कांड होता है, सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों, यजुर्वेद में आती है। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद जैसे ही यजुर्वेद आएगा तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कर्म कांड की बात करने लगेंगे, यज्ञ की बात करने लगेंगे, शादी विवाह में कैसे क्रिया होता है, क्रियाक्रम सारी चीजें हम बात करेंगे यजुर्वेद में। तो पढ़िए दोस्तों, वैदिक कर्म कांड नियमों का संकलन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। तो वैदिक कर्मकांड में जितने नियम कानून बने हैं, आप देखे होंगे दोस्तों शादी जो होती है वो रात भर होती है, सिंदूर जो है लगाया जाता है, मतलब जितने कर्मकांड के नियम हैं सब किसमें मिलेंगे दोस्तों, यजुर्वेद में मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके पाठकर्ता, इसके रीडर को क्या कहते हैं, इसको अधवैर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधवैर्यु कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया और पद्य में भी लिखा गया है, तो उसका नाम है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो क्या है, गद्य और पद्य दोनों में है। तो इट इज बोथ इन प्रोज एंड वर्स। तीन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, यजुर्वेद में वैदिक साहित्य के कर्मकांड के नियमों का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, वो इसके रीडर को अधवार्यु बोलते हैं और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दोस्तों लास्ट जो बचा है हमारा वेद का, जो लास्ट पार्ट अथर्ववेद, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए अथर्ववेद क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं अथर्ववेद के बारे में, पूरा डिटेल मैंने लिख दिया अथर्ववेद के बारे में, पूरी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा दोस्तों, उसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि अथर्ववेद की जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। तो अथर्वा ऋषि जो हैं उसी उन्हीं के नाम पर पड़ गया था अथर्ववेद, तो ये भी जानकारी आप रखिएगा। पहला क्या लिखा है पॉइंट दोस्तों, कि सबसे आखिरी में रचित वेद क्या है, वो अथर्ववेद है, यानी कि द लास्ट कंपोज्ड वेद क्या है, अथर्ववेद है। दोस्तों आप देखें, सबसे पहले हमने ऋग्वेद पढ़ा जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद हमने सामवेद पढ़ा, फिर यजुर्वेद लिखा गया, फिर सबसे लास्ट में जो लिखा गया है दोस्तों वो अथर्ववेद लिखा गया है। ठीक है, उसके रचयिता कौन है दोस्तों, अथर्वा ऋषि हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की जानकारी हमें क्या क्या मिलती है, तो दोस्तों इस वेद के लोगों में दोस्तों अंधविश्वास आ गया था, लोग जो है भूत प्रेत पे जो है विश्वास करने लगे थे, जादू टोना करने लगे थे, तंत्र मंत्र सीख गए थे, ये सारी चीज़ें किसमें मिलेंगी, अथर्ववेद में लिखेगी। पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है दोस्तों, पढ़िएगा। सबसे पहला दोस्तों, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, इन सभी का उल्लेख दोस्तों किसमें मिलता है, इन सभी का उल्लेख मिलता है आपके अथर्ववेद में। तो जादू टोना की बात, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों कंपटीशन में कि किस वेद में जादू और टोना का जो है उल्लेख किया गया है, तो अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोग जो है भूत प्रेत ये सब चीज़ों पर विश्वास करने लगे थे किसमें, अथर्ववेद में। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कि सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास मिलते हैं किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, कॉमन मैंस बिलीफ एंड सुपरस्टिशंस मिलते हैं आपके अथर्ववेद में, यानी कि लोग अंधविश्वास करने लगे, विश्वास करने लगे, बिलीव करने लगे, ये सारी चीजें किसमें आती है, अथर्ववेद में आती है। सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां। दोस्तों सभा क्या है और समिति क्या है, ये किसी का नाम नहीं है, ये एक संस्था हुआ करती थी, पहले जमाने में एक संस्था हुआ करती थी जिसे हम सभा बोलते थे और समिति हुआ करती थी, इसे हम जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहेंगे। प्रजापति जो वर्ड है दोस्तों ये भगवान के लिए है, जैसे ऋग्वेद में इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, तो अथर्ववेद में दोस्तों प्रजापति जी को सबसे ज्यादा उनकी पूजा की जाती थी। तो प्रजापति यानी कि भगवान की दो संस्थाएं हुआ करती थी, सभा और समिति। तो सभा और समिति को क्या कहा गया है दोस्तों अथर्ववेद में, दो पुत्रियां बोला गया है प्रजापति की। और दोस्तों कन्याओं के जन्म की निंदा भी होने लगी थी अथर्ववेद में, जैसे ही आप आएंगे वहां पे जो है आपका भेदभाव लोगों में मिलेगा। पहले जब ऋग्वेद में थे तो वहां सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कन्याएं का कोई निंदा नहीं हो रहा था, अब यहां पे जो है होने वाला है दोस्तों कि कन्याओं का जन्म होगा तो उनके जन्म की निंदा होने लगेगी, उन्हें कन्याओं को लोग सोचेंगे कि उनका जन्म न हो, सिर्फ क्या हो, हमारा लड़के का ही जन्म हो, लड़की को क्या करने लगे, सब निंदा करने लगे। तो ये सारी चीजें आपको पूरा वेद हमने पढ़ाया, वेद के बारे में सारी जानकारी आपको दी दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा, अगर
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और भी शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लूसेंट जो है एक ऐसी किताब है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और लूसेंट में आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वेदांग के बारे में, क्योंकि हमने धर्म ग्रंथ में लिखा था वेद, वेद को हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। तो जो कल की वीडियो रहेगी दोस्तों वो वेदांग की रहेगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है लूसेंट जी के का, नाम उसका है कि टारगेट कंप्लीट लूसेंट नाम से प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें जाएंगे आपको सारी वीडियो क्रम वाइज से मिलेगी। उस जो है प्लेलिस्ट से जाइए और आप सारी चीज़ें जो है लूसेंट से रिगार्डिंग पढ़िए। ये सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, कमेंट में मेंशन करिए कि सर इसी तरह से हमको पढ़ना है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो क्या ऐसे ही पढ़ाऊँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, या फिर हिंदी में सिर्फ पढ़ाऊँ या फिर इंग्लिश में पढ़ाऊँ, जैसा भी होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।